हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 34 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 34 वीडियो में चैप्टर 7 के विविध प्रश्नावली पे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया है इंटीग्रेशन हमें निकालना है 1/x - x³ किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। हम चाहे तो यहाँ पे नीचे हम लोग एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 - x², है ना जी। x के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन निकालना है, तो इसे हम लोग जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट 1/x ((1-x²)) = a/x और प्लस bx + c और ((1-x²)। 1/x ((1-x²) इधर एलसीएम लेते हैं, तो इधर एलसीएम होगा x ((1-x²), इसमें भाग करेंगे, यह जाके ऊपर इंटू करेगा a ((1-x²) प्लस bx + c और इसमें से भाग करेंगे, x जाके ऊपर इंटू कर जाएगा, यही ना होगा। चलिए अब ये देखो, ये नीचे और ये नीचे आपका कट जाएगा। चलिए तो यहाँ 1 बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, a - ax² प्लस का bx² और प्लस में cx, यही ना हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² के गुणांक x के गुणांक तथा अचर को इक्वेट करने पर चलिए इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर, -a + b x² वाला गुणांक है जो बराबर में 0। अच्छा, x का गुणांक यहाँ c है और इधर x का गुणांक कुछ नहीं है, यानी कि c का मान 0 हो जाएगा और a का मान यहाँ पे ये कॉन्सेंट हो जाएगा। चलिए तो a का मान यहाँ पर अगर मैं यहाँ देख लू, a का जगह 1 रख देता हूँ, तो यहाँ -1 + b = 0 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा +1, b का वैल्यू +1 आ जाएगा। चलिए तो अब इसके बाद क्या करते हैं, हम जो ये लिए है ना, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ((1-x²)) dx बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ a/x विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx + c/(1-x²) dx, ऐसे ना लिखेंगे आप, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, a b c का वैल्यू यहाँ रखता हूँ, तो a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1/x हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू आपका 1 है तो x बचेगा और c का वैल्यू 0 है तो गायब हो गया, बच गया नीचे 1-x². चलिए एक काम और यहाँ पे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन निकालना है 1/x का x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -1/2 यानी -2 से भाग और यहाँ -2 से गुणा कर देता हूँ। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि देखो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो जाए, तो मैंने यहाँ पे यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस ले लिया और 2 से यहाँ भाग किया, ऊपर यहाँ -2 से गुणा कर लिया, समझ गया ना, ताकि नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो जाए। तो यहाँ ये आ जाएगा आपका log x हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, -1/2 log (1-x²) कहना हो जाएगा और प्लस में आपका c। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका 1/2 यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 log x और -log (1-x²)+c। तो ये 1/2 कॉन्स्टेंट है ना, इसको मैं बाहर लगा देता हूँ सीधे a 1/2 लेकर, और अंदर देखो ये पावर में ऊपर चढ़ जाएगा, log x² हो जाएगा, ठीक है, और -log (1-x²) और प्लस में c, तो ये माइनस में तो डिवाइड में चला जाता है, 1/2 log क्या हो जाएगा, x² / 1-x² और प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया, समझ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर में हमें इंटीग्रेशन करना है 1/2 में, कितना है, √(x + a) और प्लस में √(x + b) विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसका रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 1/2 में √(x + a) है और प्लस में √(x + b) है, तो इंटू कर देंगे इसमें √(x + a) - √(x + b), देखे ना, और नीचे भी इसी से √(x + a) - √(x + b) विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ऊपर तो वही आ जाएगा ना आपका आ जाएगा
रूट अंडर एक्स प्लस ए, रूट अंडर एक्स प्लस ए और माइनस का रूट अंडर एक्स प्लस बी, और नीचे एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में। स्क्वायर से रूट यहाँ हट जाएंगे, यहाँ भी हट जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर इसे मैं कर सकता हूँ एक्स प्लस ए का पावर वन बाई टू और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस बी का पावर वन बाई टू, ठीक है। और नीचे देखिए क्या करते हैं, ये आपका एक्स प्लस ए है और माइनस एक्स और माइनस बी हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो डीएक्स। तो यहाँ देखो ना, एक्स से एक्स आपका कट जाएगा, ए माइनस बी जो कॉन्स्टेंट है उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ नीचे, तो वन बाई ए माइनस बी यहाँ बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन बचेगा आपका एक्स प्लस ए का पावर वन बाई टू और माइनस एक्स प्लस बी का पावर वन बाई टू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, वन बाई टू ए माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ेंगे, पावर में एक जोड़ के पावर नीचे उतार देंगे, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह से पावर में एक जोड़ेंगे और पावर को नीचे डाल देंगे, फिर टू बाई थ्री, टू बाई थ्री होगा वो बाहर पर, है ना, ये पलटेगा तो टू बाई थ्री यहाँ भी कॉमन कर लेंगे और बाहर लेके चले जाएंगे, टू बाई में थ्री ए माइनस बी और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए का पावर थ्री बाई टू और माइनस एक्स प्लस बी का पावर थ्री बाई टू और बाहर कॉन्स्टेंट सी यहाँ भी रहेगा, ठीक है, ऊपर भी देते हैं। चलिए तो ये आपका इंटीग्रेशन निकल के आ गया, समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, हमें इंटीग्रेशन निकालना है वन बाई में एक्स रूट अंडर ए एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के स्क्वायर। यहाँ संकेत में भी दिया है कि एक्स की जगह क्या रखना है, ए बाई टी। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं, सबसे पहले एक्स बराबर में ए बाई टी और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ टी के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी एक्स बटा में डी टी और बराबर में यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बटा में टी स्क्वायर। चलिए तो ये डी टी उधर ले जाते हैं, तो डी एक्स बराबर में आ जाएगा माइनस ए बटा में टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इंटीग्रेशन, वन बाई में एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए बाई टी और फिर ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर सॉरी, ए एक्स के जगह पर क्या आएगा, ए बटा में टी और माइनस यहाँ भी एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा, ए बटा टी, यानी कि ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस ए बटा में टी स्क्वायर डी टी, यही ना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो देखो ए से ए यहाँ कट जाएगा और एक टी से भी एक टी आपका कट जाएगा, कटेगा ना। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, यहाँ माइनस है, माइनस को मैं यहाँ बाहर लगा देता हूँ और यहाँ से ना अंदर से मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ, तो बाहर निकल के वो ए हो जाएगा और रूट अंडर क्या बचेगा, वन बाई टी और माइनस का वन बाई टी स्क्वायर और बाहर जो है आपका वन बाई टी डी टी, यही ना होगा। तो ये टी अंदर ले जाते हैं, इसके साथ अंदर गुना करते हैं, माइनस वन बाई ए, ये कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल दिए, वन बटा में ये टी अंदर गुना करेगा तो अंदर हो जाएगा आपका क्या, ये टी है रूट के अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर ना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टी और माइनस का टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ देखो ये कट जाएगा एक बार में, यहाँ टी से एक टी कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा, तो माइनस वन बाई ए इंटीग्रेशन वन बटा में रूट अंडर टी माइनस का वन डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो देखो ये नीचे वाले फलन का डिफरेंशिएशन, इस टी माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन होगा, टी के रेस्पेक्ट में वन होगा ना जी, तो इसका क्या हो जाएगा, वन बाई ए इंटू में टू रूट अंडर टी माइनस वन प्लस सी, तो माइनस टू बटा में ए और टी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो टी का वैल्यू आपका क्या था, ए बटा एक्स हो जाएगा। देख लो हम लोग ऊपर एक्स बराबर में ए बटा टी लेते हैं ना, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स बटा ए बटा में एक्स, तो ए बटा एक्स रख देते हैं यहाँ, तो हो जाएगा वन माइनस टू बाई ए रूट अंडर ए बटा में एक्स माइनस का वन प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। या इसका एक और काम कर सकते हैं, अंदर एलसीएम भी ले सकते हैं, माइनस टू बटा ए रूट अंडर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एक्स हो जाएगा ए माइनस एक्स और प्लस में सी, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका, वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर फोर प्लस वन के पावर थ्री बाई फोर का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, अंश तथा हर में
अंश तथा हर में x का पावर माइनस तीन से गुणा कर लेता हूं। गुणा करने पर अब ये क्यों गुणा कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा x का पावर माइनस थ्री और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में x का पावर माइनस थ्री और इंटू x का पावर फोर प्लस वन का पावर थ्री बाई फोर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। चलिए अब इसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ इस वाले को ऊपर ले जाता हूँ और x का पावर माइनस थ्री इसके साथ आएगा तो नीचे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x का पावर फोर प्लस वन का पावर थ्री बाई फोर माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और ये x का पावर माइनस थ्री नीचे आएगा तो प्लस का, तो x का पावर फाइव और इंटू में x का पावर माइनस थ्री डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए अगले स्टेप में देखिए, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ अभी देखिएगा। x का पावर 4 प्लस 1 का पावर माइनस 3 बाई 4 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे है x का पावर 5 इंटू में x का पावर माइनस 3 इंटू में मैं 4 बाई 4 कर देता हूँ, 4 से गुना और 4 से भाग यहाँ पे कर देता हूँ। देखो अब इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, चलिए ऊपर है आपका x का पावर 4 प्लस 1 का पावर माइनस 3 बाई 4 और नीचे भी कुछ ऐसा करके माइनस 3 बाई 4 के पावर में ही लाता हूँ मैं, तो यहाँ मैं इसे x का पावर 5 इंटू में x का पावर 4 और इसका पावर माइनस 3 बाई 4 कर देता हूँ, समझे ना। मैंने ये 4 को यहाँ कर दिया, माइनस 3 को यहाँ कर दिया, समझे dx, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए दोनों पे पावर सेम है तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x का पावर 5 और इंटू में यहाँ अलग से इंटू में देता हूँ, इंटू में आपका हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 बटा में x का पावर 4 का होल पावर माइनस 3 बाई 4 डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब अलग अलग इसमें मैं डिवाइड कर देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 बाई x का पावर 5 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई x का पावर 4 का पावर माइनस 3 बाई 4 डी एक्स। अब मैं इसमें पुट करता हूँ, ठीक है, पुट करते हैं 1 बाई x का पावर 5 1 बाई x का पावर 4 इसको ले लेते हैं बराबर में टी। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा पावर ये ऊपर जाएगा माइनस फोर हो जाएगा, घटाएंगे, शॉर्ट में समझो ना, ये एक्स का पावर माइनस फोर होगा और इधर टी होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर नीचे उतरेगा और पावर में से एक घट जाएगा तो यहाँ माइनस फाइव हो जाएगा बराबर में डी टी बाई डी एक्स, सही ना आएगा जी, इसको यहां से समझ सकते हैं आप, समझ सकते हैं ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये नीचे भेज देते हैं और ये डिवाइड में भेज देते हैं, 1 बाई एक्स का पावर 5 डी एक्स बराबर में माइनस का डी टी बटा में 4, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, इसे मैंने t माना था, पावर में माइनस 3 बाई 4 है और यह 1 बाई एक्स का पावर 5 डी एक्स जो है आपका माइनस का डी टी बटा में 4 है, तो ये कॉन्स्टेंट को मैं बाहर निकाल देता हूँ, माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी का पावर माइनस 3 बाई 4 dt। तो इसका रूल आप जानते हो, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे उतार देना है, माइनस 1 बाई 4 पावर में एक जोड़ेंगे तो यहाँ 1 प्लस टी का पावर एक जोड़ोगे तो 1 बाई 4 हो जाएगा पावर में और नीचे आपका 1 बाई 4 आ जाएगा और प्लस में c, तो ये 1 बाई 4 कट जाएगा। अब चलिए यहाँ रख देते हैं माइनस 1 प्लस टी की जगह 1 बटा एक्स का पावर 4 का पावर 1 बाई 4 प्लस सी, यही ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1 बाई में x का पावर 1 बाई 2 और प्लस में x का पावर 1 बाई 3, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। मैं यहाँ पर ना x का पावर 1 बाई 3 को यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ, तो देखिए कॉमन करिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बटा में यहाँ x का पावर 1 बाई 3 कॉमन होगा तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से आपका, तो यहाँ आ जाएगा आपका x का पावर 1 बाई 6 और प्लस में 1 dx। अब सोच रहे हो कि सर ये कैसा लिखा, अगर आपने इसमें से इंटू करोगे तो पावर जुड़ेगा ना, तो 1 बाई 3 और 1 बाई 6 जोड़ोगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम होगा 6, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 बाई 6 कट के आपका 1 बाई 2 नहीं आ जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो पूरा यह आ जा रहा है और इसमें से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई में x का पावर 1 बाई 3 और यहाँ पर 1 प्लस x का पावर 1 बाई 6, यही आपके हिंट में भी दिया हुआ है, ये है ना जी। चलिए अब मैं यहाँ क्या करूंगा, पुट कर दूंगा,
एक्स बराबर में टी का पावर सिक्स, एक्स बराबर में क्या पुट कर देता हूं, टी का पावर सिक्स, और इसे डिफ्रेंसिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करेंगे तो यहाँ डी एक्स बट्टा में डी टी आ जाएगा, और यहाँ सिक्स एक्स, यहाँ सिक्स टी का पावर फाइव हो जाएगा, सिक्स टी का पावर फाइव, ये जाकर उधर गुणा करेगा तो डी एक्स बराबर में आ जाएगा सिक्स टी का पावर फाइव डी टी, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर देखिए वन बाई एक्स का पावर वन बाई थ्री है यहाँ, तो एक्स की जगह क्या रखना है, टी का पावर सिक्स रखना है, तो टी का पावर सिक्स रखेंगे और पावर में है वन बाई थ्री, ब्रैकेट के अंदर वन प्लस, यहाँ पे देखो एक्स का पावर वन बाई सिक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह आप रखोगे टी का पावर सिक्स और पावर में है वन बाई सिक्स, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका, इंटू में आ जाएगा सिक्स टी का पावर फाइव डी टी, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऊपर है आपका सिक्स टी का पावर फाइव और नीचे आपका देखो क्या हो जाएगा टी का पावर टू हो जाएगा, कटेगा और ब्रैकेट के अंदर वन प्लस टी, यहां पर आ जाएगा आपका डी टी, ठीक है। चलिए तो अब ये कॉन्स्टेंट को मैं बाहर निकाल देता हूं और इसमें से भाग करेंगे तो ऊपर टी का क्यूब आ जाएगा और नीचे आपका वन प्लस टी डी टी। अब इसमें देख रहे हैं कि ये इम्प्रोपर फ्रैक्शन दिख रहा है तो हम लोग सीधे यहाँ डिवाइड करते हैं, टी प्लस वन द्वारा डिवाइड करेंगे टी का पावर थ्री को, तो यहाँ पर कितना बार में ले जाएंगे, तो ले जाएंगे आपका टी स्क्वायर से, तो टी स्क्वायर से ले जाएंगे तो यहाँ टी क्यूब और प्लस में टी स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा, माइनस का टी स्क्वायर, माइनस टी बार में ले जाएंगे तो माइनस का टी स्क्वायर माइनस का टी, ये प्लस यहाँ प्लस ये कट जाएगा टी आएगा, एक बार में ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा टी प्लस वन, माइनस माइनस ये कट जाएगा माइनस का वन, यही ना आएगा आपका। चलिए तो अब इसको इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सिक्स इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन और माइनस का वन बाई में टी प्लस वन या वन प्लस टी भी लिख सकते हैं डी टी। चलिए सिक्स इंटीग्रेशन है तो यहाँ इंटीग्रेशन अब सीधे हो ही जाएगा तो अब इंटीग्रेशन देने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा पावर में एक जुड़ेगा और पावर नीचे आएगा, यहाँ टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का लॉग टी प्लस वन, यही ना हो जाएगा और प्लस में आपका सी, समझ गए। अब यहाँ पे हम टी का वैल्यू रख देते हैं तो हम देखे थे ऊपर कि टी बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए टी बराबर में क्या हो जाएगा, तो टी बराबर में यहां से आ जाएगा, टी बराबर में यहां से आ जाएगा एक्स का पावर वन बाई सिक्स, एक्स का पावर वन बाई सिक्स, समझ रहे ना, तो यही मैं अब यहां रख दूंगा, तो सिक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स का पावर वन बाई सिक्स का क्यूब और बाई में थ्री माइनस टी की जगह यहाँ क्या आ जाएगा एक्स का पावर वन बाई सिक्स का पावर टू और बाई में टू और प्लस एक्स का पावर वन बाई सिक्स माइनस लॉग एक्स का पावर वन बाई सिक्स प्लस वन, ब्रैकेट बंद किया और प्लस में सी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, सिक्स बाहर ही रहने देते हैं, चाहे गुना भी कर सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुना करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कटेगा दो हो जाएगा, दो एक्स का पावर वन बाई टू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस यहाँ कटेगा तो तीन आएगा और एक्स का पावर वन बाई थ्री हो जाएगा यहाँ पर, और फिर प्लस सिक्स एक्स का पावर वन बाई सिक्स और माइनस सिक्स, यहाँ भी सिक्स आएगा ना, लॉग एक्स का पावर वन बाई सिक्स प्लस वन और प्लस में सी, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर है सिक्स, सिक्स नंबर, वैसे तो हम लोग ये बना चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी यहाँ देख रहे हैं फाइव एक्स बाई में है एक्स माइनस वन और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, यही ना है जी, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए तो अब यहाँ क्या करेंगे, वही इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से बनाएंगे, फाइव एक्स बाई में एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, यही ना है, तो बराबर में करेंगे ए बाई में एक्स माइनस वन और प्लस में बी एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ऐसे ले लेंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं उसके बाद बनाते हैं इसे, फाइव एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बराबर में, इधर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, चलिए इसमें से भाग करेंगे, यह जाके इंटू करेगा ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस नाइन और प्लस इसमें से भाग करेंगे, यह जाके ऊपर इंटू करेगा बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स माइनस वन, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, ये इससे कट जाएगा,
5x बराबर में ऊपर आ जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का 9a और प्लस का बी एक्स स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा माइनस का बी एक्स प्लस का सी एक्स और माइनस का सी, यही ना हो जाएगा। चलिए तो क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर के गुणांक को तथा अचर को इक्वेट करने पर। चलिए ये करते हैं पहले, तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर वाला ये है, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 0 है, समीकरण 1। x का गुणांक यहाँ पे ये दोनों है, ठीक है, तो माइनस का b और प्लस में c बराबर में 5, देख रहे हैं ना x का गुणांक यहाँ पर, समीकरण 2। कॉन्स्टेंट देखिए यहाँ पे 9a और माइनस का c और बराबर में हो जाएगा 0, ये समीकरण आपका हो जाएगा यहाँ से 3। चलिए अब यहाँ से हम लोग a b तथा c का वैल्यू निकालते हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 से समझिए पहले, a प्लस बी बराबर 0 दिया है और वहां पर है माइनस का b प्लस सी बराबर में 5, तो यहाँ से b और b काट सकते हैं ना, तो बच जाएगा a प्लस सी बराबर में 5, और चूंकि यहाँ पे a प्लस सी बराबर 5 आ गया और यहाँ है 9a माइनस सी बराबर में 0, यहाँ c से c कटेगा, यहाँ पे कितना जाएगा 10a बराबर में 5, यानी कि a का मान आ जाएगा 1/2, तो a का मान 1/2 आया, तो अगर मैं पहले समीकरण में रखूंगा तो b का मान माइनस का 1/2 आ जाएगा, और माइनस यहाँ b का मान अगर मैं दूसरे समीकरण में रखूंगा माइनस 1/2 तो प्लस का 1/2 होगा, और उधर जाके घटेगा 5 में से आपका 1/2 घटेगा, तो आपका आ जाएगा 9/2 c का मान, समझ गए। चलिए अब इसके बाद हमारे पास जो माने हुए थे ना शुरू में, इसी को इंट्रीगेट कर देना होगा, ठीक है, तो इंट्रीगेशन हमें निकालना है किसका, 5x बटा में आपका क्या था, x प्लस 1 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, ये प्लस था कि माइनस था, शायद माइनस था, x माइनस 1 था यहाँ, ठीक है, इसी का नाम है इंटीग्रेशन निकालना था, 5x बटा में x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9, यही ना है। चलिए तो अब इसको यहां पर हम लोग रख देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, मैं यहाँ पर ध्यान नहीं दिया हूँ, एक्चुअल में ये थोड़ा सा बहुत ही डार्क कलर में ये नहीं था, एक्चुअल में यहाँ प्लस था, लेकिन मैं माइनस लेके बना लिया हूँ, तो मैं माइनस लेके बना हूँ, तो ये तो आपका आंसर सही आएगा, लेकिन बुक के हिसाब से आंसर गलत आएगा, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे आपके बुक में प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे मैं गलती से माइनस समझ के इसको बना दिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी टाइप से उसको भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ a बटा में x माइनस 1 dx और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ bx प्लस c और बटा में आपका x स्क्वायर प्लस 9 dx, तो a b c का वैल्यू यहां पर रखते हैं, तो यहां a का वैल्यू है 1/2, बाहर निकाल दो 1/x-1 dx प्लस, इसमें भी अलग अलग कर देते हैं, b का वैल्यू माइनस का 1/2 है, यहां x और बटा में x स्क्वायर प्लस 9 dx, और c का वैल्यू है 9/2, बचेगा dx बटा में x स्क्वायर प्लस 9। चलिए अगले स्टेप में देखिए, थोड़ा सा मुझे इसमें सिंप्लीफाई करना होगा, 1/2 बटा में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना जी, माइनस का 1/2, और यहाँ पे देखो ऊपर मुझे 2 से गुना करना होगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन नीचे वाले का आ जाए ऊपर, और यहाँ पे 2 से भाग भी देना होगा, प्लस 9/2 इंटीग्रेशन dx बटा में यहाँ पे x का स्क्वायर और प्लस का इसे 3 का स्क्वायर कर देना होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ 1/2 log x माइनस 1 और यहाँ माइनस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पर 9/2 इंटू में 1/3, देखो यहाँ पे 1/3 यानी 1/a tan इनवर्स x बाई a यानी कि tan इनवर्स x बाई 3 प्लस, यहाँ से एक कट जाएगा 3 बार में, ठीक है, तो 1/2 log x माइनस 1 और माइनस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे प्लस 3/2 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस c, ठीक है, तो आपके बुक में सेम आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए, हम लोग क्वेश्चन ही चेंज कर दिए हैं, ठीक है,
हम लोग यहाँ पर माइनस ले लिए, लेकिन यहाँ बीच में आपका प्लस दिया हुआ, ये दिख नहीं रहा था इसलिए ये गलती हुई। चलिए तो इसको आप लोग सुधार कर लेंगे, प्लस देकर आप लोग बना लेंगे, इसे आपसे बन जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से, रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित जितने भी नोट्स होंगे है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं।